पागल है क्या कर रहा है? पीछे चलो. Now enough. I want the photographers to be silent. Stop my family. May I speak finishing, ma'am? सीधी आवाज़ में बात कीजिए आप लोग. I don't want any shouting now. ये जोक सा बन गया है. किसी भी मुद्दे को लेकर आप पॉलिटिसाइज कर देते हैं. ये मैं नहीं करूंगी. You're not my director and don't tell me what to do. You have to have some common sense also. जिस ढंग से इन्होंने बिहेव किया है वो सोपर आदमी नहीं है. आई एम वेरी सॉरी दैट दिस हैड टू हैपन द वे इट डिड. आई एम सॉरी. कुछ मीडिया वाले ऐसे होते हैं जो कि उसका एक बिना मतलब का इशू बना देते हैं, लेकिन अगर जब तक आपको क्लियर कट सिचुएशन मालूम हो, फिर जिसकी भी गलती हो, चाहे वो एक्टर की गलती हो या बाहर वाले की गलती हो, देन फेयर इनफ. यू नो सैफ राइट? एंड देन व्हाई वाज एवरीबॉडी आफ्टर हिम? फाइंड आउट. आस्क If somebody is not available for a statement for a day, 2 days, 5 days, fine. There's a celebrity involved. Sometimes, without knowing the truth and hearing the other side of the story, stories are blown out of proportion. So I think it's really sad. But yes, by and large, I think it becomes a little more in your face and becomes a little more obvious because you are a known personality, you're a known face. So that is why. Now I don't hit anybody anymore. I'm very peaceful man. इन भड़कीले स्टार्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारी आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी का टॉपिक क्या है. यस, यू गॉट राइट. आज हम अपने इस शो में खोजेंगे कि हमारे स्टार्स क्या वाकई पंगेबाज हो गए हैं या फिर उन्हें बनाया जाता है सॉफ्ट टारगेट. Day 21st February 2012. Time 1 o'clock at night. Place Hotel Taj Wasabi Mumbai. Padma Shri Award se vibhushit Bollywood ke top star Saif Ali Khan ne afreeki businessman Iqbal M Sharma ke saath apparently gali galoch se lekar maar pitai tak ki. मामला कोलाबा पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा. सैफ अली खान को हिरासत में लिया गया लेकिन कुछ ही देर में बेल देकर छोड़ दिया गया. Day 30th January 2012. Time 2 o'clock at night. Place Hotel Aurus Juhu Mumbai. Sanjay Dutt ki party mein Bollywood ke sabse bade star Shahrukh Khan ne gusse mein aakar filmmaker Shirish Kundar ko reportedly pehle dhakka diya aur phir thappad mara. बाद में साजिद नडियाडवाला, साजिद खान, फराह खान और शिरीष कुंदर ने अगले दिन रात के 12 बजे मन्नत में जाकर सुलह कराई. लेकिन शाहरुख की ये लड़ाई मीडिया में कई दिनों तक सुर्खियों में रही और शाहरुख से कई बार पूछा गया ये सवाल. मैंने आपको बताया था कि हमारा झगड़ा कैसे हुआ था? नहीं बताओ. तो मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि पैचअप कैसे हुआ. दिस इज अ पर्सनल थिंग. डे 19 फरवरी 2012. टाइम 5 o'clock एट इवनिंग. प्लेस मथुरा. एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंपेन करते वक्त विवेक ओबरॉय ने अपेरेंटली एक मीडिया कर्मी के सवाल पर गुस्से में आकर उनका गला तक पकड़ लिया लेकिन मामले को वहीं रफा दफा कर दिया गया. हालांकि मीडिया चैनल्स में इन तस्वीरों ने काफी अटेंशन ग्रैब की. ये तो वो किस्से हैं जो पिछले 2 महीनों में चर्चा में आए लेकिन बॉलीवुड में स्टार्स की मार पिटाई, झगड़े, लड़ाई और पंगों के किस्से कम नहीं हैं. कभी सलमान खान मीडिया कर्मी को थप्पड़ मार देते हैं तो कभी ऋतिक रोशन भीड़ के साथ मार पिटाई करने लगते हैं. कभी गोविंदा गुस्से में आकर फिल्म के सेट पर चांटा मार देते हैं तो कभी अक्षय कुमार गार्ड पर ही हाथ उठा देते हैं. और तो और कभी कभी तो ये बॉलीवुड स्टार्स मीडिया से ही पंगा ले लेते हैं. People are overreacting because you all guys have been showing the clippings again and again and again. You guys are being unethical nowadays, huh? कितने बकवास सवाल कर रहे हैं. आप लोगों को उकसाते हैं. You guys quote somewhere else and some stupid person says some background and all. Don't do that. ऐसे में आज बॉलीवुड बिग स्टोरी खोजेगा कि आखिर सिल्वर स्क्रीन पर प्यार और मोहब्बत की बातें सिखाने वाले स्टार्स रियल लाइफ में इतने वायलेंट क्यों हो गए हैं? क्या स्टार्स से उनका स्टारडम हैंडल नहीं हो पा रहा? क्या इस अग्रेसिव बिहेवियर की वजह स्टार्स का लेट नाइट पार्टी लाइफस्टाइल है या फिर उन्हें बनाया जाता है सॉफ्ट टारगेट? क्या बॉलीवुड पंगेबाज है या फिर इसे बनाया जाता है सॉफ्ट टारगेट? वेल, इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे एक बड़ी डिबेट के साथ बॉलीवुड बिग स्टोरी की अगली स्टोरी में.
बॉलीवुड पंगेबाज हो गया है या फिर उसे बार बार बनाया जाता है सॉफ्ट टारगेट? वेल, इस बात का जवाब बॉलीवुड से बेहतर कौन दे सकता है। इसीलिए बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने बॉलीवुड के हर सेलिब्रिटी से पूछा है कि क्या वो वाकई वायलेंट हो गए हैं या फिर उन्हें बनाया जाता है सॉफ्ट टारगेट। ज्यादातर लोग याद रखते हैं कि आपने क्या किया, और ये जिम्मेदारी आप पे होती है कि आप हमेशा 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 एक सही तरह से पीले थे। You know, Saif, right? And then why was everybody after him? Because there's a celebrity involved. Sometimes without knowing the truth and hearing the other side of the story is blown out of proportion. Media wale aise hote hain jo ke uska ek bina matlab ka issue bana dete hain. Jo stars maramari ke liye famous hain, sirf unhi ke jhagde baar baar hote hain. Law is above all, and you just can't say that just because he's a celebrity that he's got away very lightly with it. Police jo hai zyadatar celebrities ke khud unki kripa pe rehti hai kyunki unke functions hote hain, unke annual jo hai glamour events hote hain. सैफ अली खान के किस्से ने बॉलीवुड में बड़ी डिबेट शुरू कर दी। क्या स्टार्स का इस तरह का बिहेवियर सही है? और इस डिबेट की शुरुआत भी सैफ अली खान ही कर रहे हैं। कभी कभी अगर आप सही तरह भी रिएक्ट करें या जो भी हो, एक पूरी सिचुएशन को देख के आपको लगता है कि यार ये अवॉइड हो सकता था। और आप, जैसे मैंने कहा, आप एक एग्जाम्पल हैं, एक मिसाल है लोगों के लिए, आपके फैंस हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप बोलें लोगों को कि ये सही तरीका नहीं था। हम भी कभी कभी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। सैफ अली खान की माने तो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, और गुस्सा सबको आता है, लेकिन जब हमारी रिपोर्टर ने इस मुद्दे पर हमेशा लड़ाई झगड़ों और मारपीट के लिए मशहूर सलमान खान से बात की तो सलमान ने कहा कि उन्हें हमेशा ही सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। इट इज द प्रेस एंड अ स्टार, दे हैव a kind of a bond which has been there since the longest time. How many times have you interviewed Saif? Many times, I don't remember. Exactly. So you know Saif, right? And then why was everybody after him? Find out. Ask. If somebody is not available for a statement for a day, 2 days, 5 days, fine. You know, don't paint it against him. And don't hold it against him for that. He's busy, whatever. He'll come, he'll talk about it. Why? Just to, everybody is covering it, so everybody has to be covering it, and you know, suddenly, you know what it is, na? Okay, celebrity ko. You think celebrities are easy target because you have also been involved in such brawls? Well, now you stand up now. To stand up for all these things. Well, जब सैफ अली खान ने एक बार एम शर्मा को थप्पड़ मारा था तो उस वक्त मलाइका अरोरा खान भी मौजूद थीं। इसलिए बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम उनके पास भी गई और पूछा वही सवाल, क्या स्टार्स बन गए हैं पंगेबाज या फिर सॉफ्ट टारगेट? It's unfortunate whether it is to us or to anybody else. At the end of the day, it's people, people's emotions, you know, that are being played with. So I think it's really sad. But yes, by and large, I think it becomes a little more in your face and becomes a little more obvious because you are a known personality, you're a known face, so that is why. But I would just like to say that whatever happened is really unfortunate. Well, इसके अलावा जब बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने कुणाल खेमू से बात की तो उन्होंने भी यही माना कि अगर सेलिब्रिटी लड़ाई से जुड़ा है तो बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। I was talking to Bhatt saab also, and he said कि you know, things like this happen sometimes, you get into a fight and as men कि चलो यार, I pushed you, you pushed me back and you leave it at that. But because there's a celebrity involved, sometimes without knowing the truth and hearing the other side of the story, stories are blown out of proportion and generally a celebrity is antagonized in that, which I feel is somewhat wrong. लेकिन सिंघम जैसी फिल्मों में हमेशा लड़ाई झगड़े करने वाले अजय देवगन तो इन ब्राउल्स की वजह मीडिया को मानते हैं। I think कुछ हद तक मीडिया को भी ये समझना चाहिए कि सिचुएशन क्या थी, बिकॉज कई बार सब मीडिया की बात नहीं करूँगा, बट कुछ मीडिया वाले ऐसे होते हैं जो कि उसका एक बिना मतलब का इशू बना देते हैं, लेकिन अगर जब तक आपको क्लियर कट सिचुएशन मालूम हो, फिर जिसकी भी गलती हो, चाहे वो एक्टर की गलती हो या बाहर वाले की गलती हो, देन फेयर इनफ। वेल, स्टार्स से जुड़ी लड़ाई झगड़े की बात को मीडिया में बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। कुछ ऐसा ही मानते हैं रिसेंटली पाकिस्तान से इंडिया एक्टिंग करने आए अली जफर। वंस यू आर अ सेलिब्रिटी, आई मीन यू आर इन द पब्लिक आई ऑल द टाइम, एंड आपकी हर एक जो मूव होती है वो देखी जा रही होती है, ये चीजें तो होती हैं, बट दैट्स अ प्राइस दैट यू हैव टू पे ऑफ बीइंग पॉपुलर, बीइंग नोन एंड बीइंग लव्ड एक्चुअली। तो ये तो होता है इस फील्ड में।
लेकिन स्टार्स का बिहेवियर इतना वायलेंट क्यों हो गया है? पार्टीज में स्टार्स अपना होश क्यों खो बैठते हैं? बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने इस बात का जवाब जानने की कोशिश की सालों से पेश थ्री पार्टीज को कवर करती आई सिमी चंडोक से। See, it's an open secret in Bollywood कि यहाँ पे अल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज बहुत कुछ है विच इज अफेक्टिंग द माइंड ऑफ you know Bollywood stars and even non-Bollywood celebrities at that, but definitely more than drugs, more than drinking, more than superstardom, what must affect a few of them are their steroids. It's very apparent what steroids do to you. They cause you depression, they make you violent because they are affecting your hormones and your chemicals in your brain. So this is the natural way for people to go when they are abusing steroids to make good bodies. सिमी चंडोक की माने तो स्टार्स पर अल्कोहल और स्टेरॉइड्स का ही इम्पैक्ट पड़ता है जो वो वायलेंट हो जाते हैं, लेकिन मारपीट करने वाले स्टार्स का पार्ट बिग स्टोरी की डिबेट में तब तक अधूरा है जब तक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली पुलिस और कोर्ट से बात न की जाए। इसलिए बिग स्टोरी की टीम ने लॉ एक्सपर्ट रिजवान जी मर्चेंट से भी बात की और जाना क्या सेलिब्रिटीज को लॉ भी स्पेशल प्रिविलेज देता है। I personally feel that, law is above all. And you just can't say that just because he's a celebrity that he's got away very lightly with it. Whether the offense is committed by a celebrity or a non-celebrity, law considers both of them to be the same. स्टार्स की फाइट्स पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस में उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर उनके साथ भी कॉमन मैन जैसा बिहेवियर किया जाता है। पर इसका जवाब बिग स्टोरी की टीम ने मांगा फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर वाईपी सिंह से। देश का संविधान कहता है कि जब सरकारी एजेंसी कोई भी कार्रवाई करती है उसके लिए सब व्यक्ति समान है, इसलिए पुलिस छोटा हो बड़ा हो यदि किसी के ऊपर अटैक हुआ है तो पुलिस के ऊपर पुलिस वैसी कार्रवाई करनी चाहिए जो कि कानून से अपेक्षित है। सेलिब्रिटीज का कहना है कि उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है तो पुलिस का कहना है कि लॉ सबके लिए बराबर है, लेकिन स्टार्स का ये बिहेवियर बॉलीवुड में जिस ट्रेंड को शुरू कर रहा है उसे वक्त रहते रोकाना गया तो वो वक्त दूर नहीं जब रोज हमें सिर्फ लड़ाई झगड़े और मारपीट की खबरें ही सुनाई देंगी। कुछ का कहना है कि स्टार्स स्टारडम के सुरूर में जोश में आकर होश खो बैठते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब स्टार्स का मामला पुलिस तक पहुंचा हो। इससे पहले भी कब कब स्टार्स को पुलिस स्टेशन में लगानी पड़ी हाजिरी बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। ऐश्वर्या's फादर कंप्लेन अगेंस्ट सलमान खान। April 6, 2003, एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय बच्चन ने पहली बार मीडिया के सामने कहा, For the sake of my well-being, my sanity, my dignity and self-respect of my family, I will not work with Salman Khan. The Salman Khan chapter was a nightmare in my life and I am thankful to God that it is over. लेकिन इसके बाद भी सलमान खान का ऐश्वर्या को तंग करना खत्म नहीं हुआ। आखिरकार हार कर ऐश्वर्या के फादर कृष्णराज राय को मुंबई पुलिस में जाकर सलमान के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी पड़ी और पुलिस में एक बार फिर से नाम आ गया सलमान खान का। मिक्का किस राखी सावंत। 10 फरवरी 2008 ये तस्वीरें हर न्यूज़पेपर पर थीं। राखी सावंत ने पुलिस में कंप्लेन फाइल की कि सिंगर मीका ने उनके साथ जबरदस्ती किस किया। ये किस का किस्सा कई महीनों तक मीडिया की सुर्खियां बना रहा और पुलिस में केस भी चलता रहा। गोविंदा स्लैप्ड ऑन द सेट्स ऑफ मनी है तो हनी है। 17 जनवरी 2008 फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर गोविंदा ने संतोष राय नाम के एक व्यक्ति को पूरी मीडिया के सामने जोरदार थप्पड़ मार दिया। बात पुलिस तक पहुंच गई और गोविंदा के अगेंस्ट केस शुरू हो गया। हाल ही में इस केस को लेकर कोर्ट ने गोविंदा के अगेंस्ट समन जारी किया था। इसके अलावा राजा चौधरी ने अपनी एक्स वाइफ श्वेता तिवारी के घर में घुसकर उनके बॉयफ्रेंड की पिटाई भी कर डाली और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। शाइनी आहूजा का अपनी मेड के साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का केस पुलिस तक ऐसा पहुंचा कि शाइनी को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। फरदीन खान को कोकेन केस में पकड़ा गया जिसका मामला पुलिस की फाइल्स में आज भी चल रहा है। संजय दत्त को अंडरवर्ल्ड के साथ नाता रखने और इलीगली वेपन रखने के एलिगेशन को लेकर कई सालों तक कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े।
स्टार्स के ऐसे कई पंगे, झगड़े और जुर्म हैं, जिसकी वजह से उनका नाम पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचे। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि ये वही स्टार्स हैं जिन्हें हम अपना रोल मॉडल मानते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड के वो झगड़े जो पुलिस तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ मीडिया में ये झगड़े कई दिनों तक गर्म रहे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम डिबेट कर रहे हैं क्या वाकई स्टार्स पंगेबाज हो गए हैं या फिर उन्हें बनाया जाता है सॉफ्ट टारगेट। और अब हम बात करेंगे उन झगड़ों की जो पुलिस तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ मीडिया और बॉलीवुड के गॉसिप बाजार में कई दिनों तक गर्म रहे। बॉलीवुड स्टार्स के बीच बढ़ रहे हैं झगड़े, रोज रोज टैब्लॉइड्स में आ रही हैं फाइट्स की खबरें। ये बॉलीवुड को क्या हो गया? अपनी फिल्मों में एक दूसरे को प्यार और इश्क की बातें सिखाने वाले बॉलीवुड स्टार्स की रोज नई टिफ की न्यूज आजकल मीडिया की हेडलाइंस बनी हुई हैं। वेल, ये स्टारडम का सुरूर है या फिर पॉपुलैरिटी का पागलपन, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, बॉलीवुड बिग स्टोरी की इस स्टोरी में हम आपको फ्लैशबैक में ले जाकर बॉलीवुड के कुछ ऐसे पंगों से रूबरू जरूर करवाएंगे जो पुलिस तक नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ उन्होंने सुर्खियां जरूर बटोरी। सलमान शाहरुख वॉर एट कैटरीनाज बर्थडे, बॉलीवुड के करण अर्जुन की ऐसी वॉर छिड़ी जो आज तक खत्म नहीं हुई। कैटरीना के बर्थडे पर अंदर क्या हुआ एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ नशे में बाहर आते स्टार्स की और रोती कैटरीना की तस्वीरें सालों साल मीडिया की हेडलाइन जरूर बनी। आदित्य पंचोली बीट कंगना रनौत, मुंबई के एक टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की, मेंटोर टर्न्स टॉर्मेंटर। कंगना रनौत ने भरे जमाने के सामने एक्सेप्ट किया कि आदित्य पंचोली ने उनकी पिटाई की। घटना मुंबई अंधेरी लिंक रोड में रात 1 बजे की थी, जहां आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा और तब तक मारते रहे जब तक आसपास के लोगों ने उन्हें रोका नहीं। आदित्य पंचोली ने कंगना की पिटाई सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर रही थी। इसके अलावा ऋतिक रोशन ने शिरडी में लोगों से जमकर पंगा लिया जो कई महीनों तक मीडिया की सुर्खियां बना। विवेक ओबरॉय ने भी हाल ही में मथुरा में पंगा लिया। सलमान खान तो जर्नलिस्ट को थप्पड़ तक मार चुके हैं। पंगों की लिस्ट लंबी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर इन सभी पंगों में लोग स्टार्स से पंगा लेते हैं या फिर स्टार्स अपने स्टारडम के जोश में होश खो देते हैं? वेल, इसका जवाब हम आपको देंगे हमारी आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी के कंक्लूजन में। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे ऑडियंस क्या मानती है, क्या उनके फेवरेट स्टार्स को जानबूझकर सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है या फिर स्टार्स वाकई हो गए हैं वायलेंट। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी, चलिए अब ऑडियंस से जानते हैं कि उनके स्टार्स के रोज रोज मीडिया में आए नए पंगों के बारे में वो क्या सोचते हैं। They are getting famous, उन लोग के तेवर चढ़ रहे हैं। They've been soft targeted because of the media. Media is again and again behind them, whatever they do. Targeted or anything, it's just that जब भी कोई नया मूवी आता है तभी उन लोग को वो स्ट्राइक होता है कि चलो अब कोई नई TRP लाते हैं, we'll get into some publicity. So I think it is a bit of a publicity stunt. ये सब publicity stunt है। आम आदमी उनको इतना respect देता है उसकी लाइक वो सब सर पे लेके घूमते हैं कि हाँ मैं बाहर जाऊँगा तो चार लोग मुझे देखेंगे। सेलिब्रिटीज़ आर द सॉफ्ट टारगेट बिकॉज आई गेस दे आर सेलिब्रिटीज़ सो दैट्स व्हाई इट्स टू मच ऑफ लाइमलाइट ऑन देम। उन्हें सॉफ्ट टारगेट और कुछ बनाया नहीं जा रहा, उनकी जो प्राइवेट लाइफ है वो मीडिया वाले और कॉमन मैन के पास बहुत ज़्यादातर के आ रही है, दिख रही है, और उनको जो उनकी प्राइवेट लाइफ है वो नहीं यूज होने लगते, उनकी जो लाइफ है वो सोशल लाइफ हो चुकी है।
तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ स्टार्स पर स्टारडम का सुरूर चढ़ता जा रहा है तो कुछ लोग भी अब पब्लिसिटी के लिए उन्हें सॉफ्ट टारगेट मानने लगे हैं। वेल, बॉलीवुड बिग स्टोरी में आज के लिए इतना ही। बट टू बी अ पार्ट ऑफ द हॉटेस्ट एंड मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट्स ऑन द बॉलीवुड बिग स्टोरी, लॉग ऑन टू www.facebook.com/zoomtv। अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे विद येट अनदर बर्निंग डिबेट इन बी टाउन। टिल देन, कीप वॉचिंग Zoom, India's number one Bollywood channel.